नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। बाजपुर में शिक्षा कैबिनेट मंत्री के भाई अमर पांडे पर भूमि धोखाधड़ी कर हड़पने का आरोप लगाते हुए एक बुजुर्ग महिला पेट्रोल व माचिस लेकर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गई और दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए न्याय दिलाने की मांग करने लगी। महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास भी किया, पर स्थानीय लोगों ने पेट्रोल और माचिस छीन कर उसे ऐसा करने से रोक लिया। आइए पूरी खबर जानते हैं बाजपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ खान की इस रिपोर्ट में। मैंने कहा तुम मेरा हिसाब कर दो, मेरी जमीन का मोल दे दो। फिर कहते हैं कि नहीं, 50 लाख की जमीन और कहते हैं 15-20 लाख रुपया ले लो, बस चले जाओ यहाँ से। और दो तरफ रास्ता निकाल के और मेरी जमीन को इतना सारा रास्ता तो आप इसके ओरिजिनल कागज कहाँ हैं आपके? ये तो फोटो स्टेट है। आपको यहाँ पहले मैं क्या बता दूँ, क्या है क्या चीज़? नहीं, मैं पूरा बता दीजिए, इसको यहाँ पता नहीं है। हाँ जी बताइए, पूरा मैं के भाई ने अमर पांडे को मैं जानती नहीं थी। एक जवाज अजय जवाज है जिन्होंने मुझे कह के एक एकड़ जमीन 3 साल के लिए, इन्होंने मुझसे 30 साल के लिए और 50 साल के लिए लिखवा ली है और 2.5 एकड़ मेरे पास जमीन सी और सारी की सारी इन्होंने लिखवा ली है 30 साल के लिए और 50 साल के लिए। बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? अभी मेरी एक बेटी शादी करने हो तो एक बेटा, इन्होंने जबरदस्ती इतनी ऊंची दीवार कर दिया, मेरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जमीन के लिए। माता जी जिसकी नहीं पढ़नी आती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस सहन सहन कर लेती हूँ। तो ये इस काम में जो में हिंदी नहीं मुझे पढ़नी आती। क्या मांग है आपकी? जमीन वापस कराए करो, नहीं तो मैं यही मर जाऊंगी आज आग लगा के। जाना नहीं है, मैंने घर नहीं जाना लौट के।